क्या सलमान खान की फिल्म नोटबुक केसरी को दे पाएगी कड़ी टक्कर? सलमान खान की फिल्म नोटबुक के ट्रेलर को क्यों मिल रहे हैं बढ़िया रिस्पांस? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई पेशकश में। सलमान खान के प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म नोटबुक के जरिए जहीर इकबाल और प्रनूतन बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं, जिसके ट्रेलर को 22 फरवरी 2019 को रिलीज किया गया था, जिसे अब तक 1,38,64,354 व्यूज मिल चुके हैं। इसके बाद फिल्म का नई लगदा सॉन्ग रिलीज किया गया है, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग है, जिसे अब तक 80 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इस फिल्म को पहले आतिफ असलम ने गाया था, लेकिन पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तानी सिंगर्स और एक्टर्स के बैन के बाद सलमान खान ने उनका गाना फिल्म से हटा दिया था। अब इस गाने को गाया है विशाल मिश्रा और आइस कौर ने। हाल ही में नोटबुक फिल्म का एक और गाना लैला रिलीज हुआ है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। गाने को दामिनी बनुशाली ने अपनी आवाज दी है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। ट्रेलर में कश्मीर के वादियों में पनपने वाले प्यार और दूरी के बाद किताबों के पन्नों में सिमटे प्यार को दिखलाया गया है। नए अंदाज और नई कहानी के साथ आई फिल्म नोटबुक 29 मार्च को रिलीज होने जा रही है। सलमान खान इस फिल्म से दोनों को बॉलीवुड में लॉन्च करने जा रहे हैं। सलमान खान इससे पहले एक्टर और प्रोड्यूसर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को फिल्मों में हीरो और अपने जीजा आयुष शर्मा को लव यात्री से लॉन्च कर चुके हैं। ये दोनों ही फिल्में सलमान खान के प्रोडक्शन बैनर के तले बनाई गई थी, लेकिन ये दोनों ही फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। नोटबुक फिल्म से जहीर इकबाल और प्रनूतन क्या कमाल दिखा पाते हैं, ये तो 29 मार्च को ही पता चल पाएगा, क्योंकि 21 मार्च को अक्षय कुमार की केसरी रिलीज होने वाली है, जिसका ट्रेलर 2 दिन में ही 2 करोड़ व्यूज ले चुका है। क्या नोटबुक फिल्म केसरी फिल्म को टक्कर दे पाएगी? क्या सलमान खान की प्रोडक्शन की बनी फिल्म अक्षय कुमार से आगे निकल पाएगी? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।